फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव दोस्तों जो चाह रहा था टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों उसका सीरीज का आज दोस्तों पार्ट 6 वीडियो है। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि हम हर वीडियो में दोस्तों आप लोगों को 25 ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं, अर्थात बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि इसी टाइप पर लगातार बोर्ड एग्जाम में यार पूछे गए, एक भी क्वेश्चन जो होगा बोर्ड एग्जाम से बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, यानी कि कहने का मतलब मेरा कि एक भी क्वेश्चन जो भी आप लोग को क्वेश्चन कराते हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप भी दोस्तों बोर्ड एग्जाम में चाहते हो कि आप लोग ऑब्जेक्टिव 50 से 50 सही हो डियर स्टूडेंट, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे डियर स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक देख करके आप लोग ऐसे ट्रिक लगाकर चले आओगे डियर स्टूडेंट, लास्ट तक बने रहना। आप लोग चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आप लोग को क्लास 7 बजे चलता है स्टूडेंट, कितना बजे 7 बजे शाम को चलता है, ये आप लोग को दोस्तों ध्यान में रखना, रेगुलर क्लास करना है 7 शाम को और 8 बजे चलता है। आज 8 बजे टेस्ट भी होने वाला है तो आज टेस्ट को दोस्तों ज्वाइन करना। ठीक है ना, केमिस्ट्री का होने वाला है। देखिए स्टूडेंट 91-42 पर आप लोग PDF कोर्स ले सकते हैं स्टूडेंट, जिसमें आप लोग को साल भर PDF कोर्स दिए जाएंगे ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग PDF का कोर्स परचेज कर सकते हो। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन इसीलिए कर लेना क्योंकि टेलीग्राम पर दोस्तों सबसे ज्यादा आप लोग को नोटिफिकेशन जो होता है सबसे पहले आप लोग को दिया जाता है, साथ में वहां पर आप लोग को क्विज भी मिल जाएगा, वहां पर आप लोग को क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह पहले ही मिल जाता है। ठीक है ना, तो चलिए स्टूडेंट लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि आज बहुत वीडियो में मजा आने वाला, मैं कैसे बताऊं बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, चलिए देखो यहाँ पर आप लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो पिछले ही वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को बता रखा था दोस्तों 25वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो एक बार और बतला देते हैं। चलिए कहा जा रहा है कि बिंदु इतना इतना का इकाई सदिश क्या है, तो आप लोग को इकाई सदिश के लिए याद रखना i+j+k। ठीक है ना, जब जो दिया गया उसको अंक को बैठा देना, तो i 4i हो गया तो 4i, यहाँ पर दिया गया 5i तो 5i, 6i तो 6k। ठीक है ना स्टूडेंट, जो विद्यार्थी इसका ए नंबर लगाए बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर डी स्टूडेंट, क्योंकि दोस्तों जो बिंदु होता है दोस्तों इकाई सदिश के लिए i+j+k होता है, i+j+k, ये नहीं होगा माइनस में दे दिया, इसमें डिजिट दोस्तों सेम नहीं है, ये डिजिट होना चाहिए 4, 5, 6 और इसमें भी नहीं दिया गया है। सो डियर जो विद्यार्थी इसका ए नंबर लगाएं एक नंबर बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में अपने छाप को बनाए हुए है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो कहाँ पे ए जे क्वेश्चन है, हर बार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, आप लोगों के पास क्वेश्चन बैक है तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग टाइप को मिला लो, यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मैंने बोल रखा है स्टूडेंट जो भी आप लोग को दिया रहे मापांक के अंदर तो उसको आप लोग को स्क्वायर करना है, तो दोस्तों 2 का स्क्वायर करना है, यहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों, तो आप लोग का +3 का दोस्तों स्क्वायर यहाँ से करना डी स्टूडेंट। ठीक है ना, ये -3 का स्क्वायर किया और यहाँ पर +1 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है ना, यहाँ से रूट अंडर लगाते हैं तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हुए, 4, 3 का स्क्वायर 9 हुए, तो यहाँ पर आप लोग को मिल गया 4+9+ और यहाँ से दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो ये आप लोग को √14 प्राप्त हो गया, कई बार यार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ। तो √14 देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन में दिया गया, जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट किया बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि डी स्टूडेंट मैंने आप लोग को ट्रिक में बता रखा कि जो भी आप लोग का +-2 दिया रहता है मापांक के अंदर वो नहीं देखना, सिर्फ आप लोग को डिजिट का स्क्वायर करते जाना डी स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ से 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आप लोग जोड़ जाकर निकालोगे तो 4+9+1 यानी कि दोस्तों √14 प्राप्त हो गए, जो कि आप लोग देख पाओगे डी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बहुकार चाह देंगे थोड़ा सा कलर चेंज करके। ठीक है ना, चलिए यहां से ये कलर लेनी है। चलिए चलिए डियर स्टूडेंट आप लोग लास्ट तक बने रहो, काफी एजे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। देखो वो ए दिया गया है दोस्तों, ए भी दिया गया है, तो ए भी का यार मान निकालने की बात कर रहा है डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे यहाँ पर ओ ए दिया गया है, यहाँ ओ भी लिखा जाना चाहिए, ए भी का मान निकालना है। चलिए ध्यानपूर्वक समझेंगे डियर स्टूडेंट ये कैसे मान निकलेंगे। ठीक है ना, तो ए भी निकालने की बात है डियर स्टूडेंट, तो आप लोग सोचो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, काफी एजे क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में किसी विद्यार्थी को यह गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, देखो यहाँ पर दोस्तों ओ ए दिया गया तो यहाँ ओ भी दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, दो ए भी फैक्टर नहीं होगा, आप लोग को मैं हर क्वेश्चन में हर वीडियो में कुछ ना कुछ बिहार बोर्ड का त्रुटि दिखलाता हूँ। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखोगे त्रुटि यहाँ पर दिया गया ओ भी फैक्टर होना चाहिए या दे दिया गया ए भी फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दोस्तों होशियार हैं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। चलिए ओ ए दिया गया, ओ भी दिया गया, आप लोग को पता ओ ए और ए भी दिया रहता है डियर स्टूडेंट, तो ओ भी माइनस ओ ए करते हैं डियर स्टूडेंट, ओ ए और ओ भी दिया रहता है तो हम लोग क्या निकालते हैं कैसे निकालते हैं, तो आप लोग को पता है यहाँ ए भी निकालना है, तो पहले दोस्तों बी को घटाते हैं ए से, यानी कि ओ भी माइनस ए करेंगे, ओ बी माइनस ए करेंगे डियर स्टूडेंट, ओ बी वेक्टर और ओ ए वेक्टर, ओ ए, चलिए हाँ देखिए यहाँ से
यहाँ से देखो अगर ये स्टूडेंट तो यहाँ से आप लोग को वैल्यू निकलेगा तीन में से ए दोस्तों दो जाएगा तो एक आएगा तो आई हो गया, और दोस्तों छः में से पाँच जाएगा तो क्या आएगा, छः में से पाँच जाएगा तो एक आएगा यानी कि जी हो गया। और यहाँ से देखो अगर ये स्टूडेंट पाँच माइनस छः देखो पाँच माइनस छः करना ये स्टूडेंट ठीक है ना, चलो पाँच में से छः हो जाएगा तो क्या आ जाएंगे ये स्टूडेंट, पाँच में से दोस्तों छः हो जाएगा तो आप लोगों को क्या देंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा अंक आप लोग का गलत है, पाँच में से माइनस छः हो जाएंगे तो ये आप लोग का दोस्तों ग्यारह आ जाएंगे ठीक है ना। तो ग्यारह कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया डी स्टूडेंट, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं डी स्टूडेंट, हो सकता है थोड़ा टाइप करने में यार मिस्टेक हुआ होगा, या तो दोस्तों हो सकता है यहाँ पर पाँच की जगह यहाँ पर आप लोग को कुछ गलत किया होगा, यहाँ वन होना चाहिए था, ध्यान से समझेंगे डी स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझेंगे डी स्टूडेंट, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ त्रुटि आप लोग को दिखलाते हैं, देखो यहाँ पर वन होना चाहिए तभी दोस्तों ये मैनेज करके ए नंबर ऑप्शन को यार सेलेक्ट करते हैं ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ है इसमें दोस्तों अगर ग्यारह देता तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं, लेकिन डी स्टूडेंट आप लोगों को पता है ना इसको में से इसको घटाएंगे तो आप लोग का आई आ जाएगा डी स्टूडेंट, आई आ जाएंगे और इसको इसमें से दोस्तों घटाएंगे छः में से पाँच को तो ये जे आ जाएगा ठीक है ना, चलो जे आ गया। और यहाँ पर दोस्तों पाँच में से माइनस छः को घटाएंगे तो प्लस का ग्यारह किया जो कि कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया, यहाँ वो वन होना चाहिए तभी ए नंबर इसका हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट दे दिए गए हैं, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भौकाल मचा के आइएगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों क्या कहा जा रहा है, ए दिया गया बी दिया गया ए डॉट बी निकालना है, तो इसके लिए भी मैंने आप लोग को ट्रिक बता रखा डी स्टूडेंट, एक जातु को एक तरफ से गुना करते डी स्टूडेंट, इसको इससे देखो आए को आए के साथ गुना करेंगे डी स्टूडेंट ठीक है ना, और जे को जे से गुना करेंगे और के को के से गुना करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आप लोग को हर क्लास में बतलाता है डी स्टूडेंट और हर बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, तो यहाँ से दो एक कम दो आएंगे डी स्टूडेंट प्लस का दो आ गए और यहाँ पर जे और तीन यानी कि थ्री गुना दोस्तों वन तो आप लोग का थ्री हो जाएंगे, गुणांक दोस्तों को भाई जो आप लोग का गुणांक होता है डी स्टूडेंट उसको हम लोग लिखते हैं ठीक है ना, चलो भौकाल मचा देंगे, तीन माइनस पंद्रह तीन गुना पंद्रह तीन गुना पाँच तीन गुना पाँच तो माइनस का पंद्रह, क्योंकि दोस्तों यहां पर ऑलरेडी पहले से आप लोग को माइनस छिपा हुआ है तो पंद्रह डी स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लोग एडिंग करोगे तो पाँच माइनस पंद्रह तो आप लोग को पता है डी स्टूडेंट माइनस का चिन्ह बड़ा है तो कार्य ज़्यादा है तो माइनस दस हो जाएंगे डी स्टूडेंट, माइनस दस देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन में दिया गया, जो विद्यार्थी जो भी कैंडिडेट को नहीं समझ में आया मैं आप लोग को एक बार और समझा देता हूँ डी स्टूडेंट, देखो ए डॉट बी निकाला इसको इससे गुना करेंगे यार देखो इसको आई को आई के साथ गुना करेंगे तो टू आई आ गया यानी कि आई डॉट आई वन होता है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, जे और जे से गुना करेंगे तो आप लोग का दोस्तों तीन आ जाएंगे ठीक है ना, यानी कि वन गुना तीन और यहाँ तीन गुना दोस्तों माइनस पाँच करेंगे तो माइनस पंद्रह मिल करके दोस्तों क्या आ गया माइनस दस आ गया। चलो जो भी विद्यार्थी इसका बे नंबर लगा है बिल्कुल फाइनल उसका राइट आंसर है ठीक है ना, बे नंबर इज करेक्ट आंसर। चलो ये सब क्वेश्चन आप लोग क्लियर करोगे तो बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे मेरे दोस्तों बाधा है ठीक है ना। चलो देखो ए डॉट बी दिया गया स्टूडेंट तो यहाँ से आप लोग को वैल्यू को पुटअप करके एक आप लोग को बात लगाए, देखो ए डॉट जब दोस्तों बी दिया गया दोस्तों क्या दिया परपेंडिकुलर दिया गया, ए डॉट बी जब परपेंडिकुलर दिया जाता है तो जीरो हो जाता है डी स्टूडेंट, ध्यान देंगे यहाँ पर जब परपेंडिकुलर परस्पर लंब की बात करेगा डी स्टूडेंट तो आप लोग को याद रखना ए डॉट बी जीरो हो जाएंगे, बी नंबर इज करेक्ट आंसर। देखो जे क्रॉस के तो इसके लिए चलेंगे डायग्राम पर, तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो ये आई हुआ और ये आप लोग का जे हुआ, देखो ये आई हुआ डी स्टूडेंट ये जे हुआ और ये आप लोग का के हुआ ठीक है ना, तो यहाँ क्या दिया जे क्रॉस के दिया गया यार जे क्रॉस के दिया गया है तो जे क्रॉस के तो आएगा आई डी स्टूडेंट आएगा कि नहीं बिल्कुल आएगा तो अपन बिल्कुल लगा रहे हैं। चले बहुत अच्छा गर्दा गर्दा कर देना दोस्तों आज की क्लास में, यानी कि नए समझ में जो विद्यार्थी के एक बार और समझेंगे क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं, भौकाल तो आप लोग मचा दोगे बोर्ड एग्जाम में जाकर के मुझे ऐसा लगता है ठीक है ना। चलो यहाँ से आई आया यहाँ से जे आया डी स्टूडेंट और यहाँ से के आया, तो डी स्टूडेंट क्या आपसे कहा जा रहा है जे क्रॉस के, तो डी स्टूडेंट जे और ये आया के तो आने वाला दोस्तों कैंडिडेट होगा आई ठीक है ना, यानी कि जो भी विद्यार्थी इसका ए नंबर लगाए बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर डी स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है यार क्या बताऊँ, कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट होता है यार पूछेगा बिहार बोर्ड, अब ऐसा क्वेश्चन है वो दी कोच जाके यार बात करेगा तो आप लोगों को याद रखना इसका दोस्तों एक्स बाई जेड होता है, तो डी स्टूडेंट एक्स बाई जेड तो जीरो जीरो वन देखेंगे जीरो जीरो और ये आप लोग का वन
ठीक है ना, 001 देखेंगे तो आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। कैसे हुआ ये आप लोग को जानेंगे, विशेष ज्ञान देते हुए चलेंगे, भाव काल मचा देंगे, एक बार और समझेंगे। देखो एक अक्ष का दोस्तों पूछता है तो आप लोग को पता है 100 होता है दोस्तों, ठीक है ना। अब वाई अक्ष का पूछता है तो 01 और 0, ठीक है ना। जेड का पूछता है 001 होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। इतना क्लियर तो कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो इतना जब पता चल गया स्टूडेंट, इसका दिक को जिया सी नंबर होगा, लेकिन मैं आप लोगों से पूछ दूँ कि दिक को जियाओं का दोस्तों योग कितना होता है। अरे यार इसका योग करोगे तो डी स्टूडेंट आप लोग का योग 1 ही आएगा डी स्टूडेंट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 के एनुअल एग्जाम और दोस्तों सेंटअप एग्जाम, ठीक है ना, एनुअल एग्जाम, सेंटअप एग्जाम और कंपार्टमेंटल एग्जाम तीनों में पूछा हुआ है। मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोगों से यार आशा है कि अगर आपके पास भी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, कि अगर आप लोग के पास क्वेश्चन है दोस्तों सेंटर जो कंपार्टमेंटल का एग्जाम हुआ था 3 महीने पहले, उसका आप लोग के पास मैथ का यार क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग भेज देना, ठीक है ना। इस तरह से पीडीएफ बना करके मैं आप लोग को सोल्यूशन करूँगा डी स्टूडेंट, क्योंकि वो बुक में इस वर्ष नहीं छपेगा, अगले वर्ष छपता, ठीक है ना। तो आप लोग के पास अगर अगल बगल कोई दोस्तों फेल किए होंगे उनके पास क्वेश्चन होगा तो यार प्लीज़ सेंड कर देना, ठीक है ना। चलो सी नंबर इज करेक्ट आंसर। देखो के डॉट के बाद क्या, देखो यहाँ से क्लियर करेंगे, के डॉट के 1 होता है, आई डॉट आई 1 होता है, और आई जे जे डॉट जे दोस्तों 1 होता है। ये सब 1 होता है क्योंकि दोस्तों डॉट प्रोडक्ट में यार सेम में 1 हो जाता है। जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर लगाए हैं बिल्कुल उनका 100% रियल आंसर है स्टूडेंट। चलिए भाव काल मचा दिए आप लोग। देखो यार ये सब क्वेश्चन तो करा दिए, ठीक है ना, इसका दोस्तों ये हुआ और इसका दोस्तों ये हुआ। चलो 33 नंबर क्वेश्चन देखो और लगा दो अपना राइट आंसर। कहा जा रहा है कि दो सरल रेखाओं के दिक अनुपात दोस्तों L1 M1 N1 और L2 L2 M2 दिया गया, तो दो सरल रेखाएं परस्पर लंब होने की बात हुआ है। लंब के लिए दोस्तों परपेंडिकुलर के लिए दोस्तों 0 आप लोगों को बात ला चुके हैं यार। 0 खोजेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया, बस आंख मुनेंगे और सोचेंगे 0 कौन ऑप्शन में दिया गया, तो ए नंबर में दिया गया, ए नंबर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 जो होता है स्टूडेंट 0 के इक्वल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि दोस्तों परस्पर दोस्तों लंबवत की बात करा परपेंडिकुलर की बात, जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल उनका सही स्टूडेंट। काफी इजी और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, तो रेगुलर क्लास करोगे यार एग्जाम में एक भी क्वेश्चन है छोटे गाड़ी स्टूडेंट मैं वादा करता हूँ, ठीक है ना। रेगुलर सिर्फ आप लोग क्लास कीजिए, बेहतर तरीके से आप लोग परफॉर्मेंस करेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए देखो 34 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो यह सरल रेखा के दोस्तों दिक अनुपात ABC है, तो दोस्तों इसके दिक को ज्याएं होगी। डी स्टूडेंट दिक को ज्याएं होने के लिए पहले आप लोगों को पता होना चाहिए सिग्मा ए स्क्वायर होना चाहिए दिक को ज्या, ठीक है ना डी स्टूडेंट। तो आप लोगों से पूछा क्या था, दिक अनुपात दिएगा ABC इसका दिक को ज्या की बात किया स्टूडेंट, तो आप लोग को याद रखना है A/2 स्टूडेंट सिग्मा ए स्क्वायर हो जाएंगे, और दोस्तों B सिग्मा ए स्क्वायर हो जाएंगे, और यहाँ से C σ A² देंगे स्टूडेंट, जो कि आप लोग ए नंबर ऑप्शन में देखना। जो भी विद्यार्थी इसका ए नंबर लगाएं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल, चलिए यही इसका आप लोग का राइट आंसर देंगे जो कि आप लोग ऑप्शन भी लगा रहे हैं। चलिए देखो यहाँ पर सरल रेखा दिया गया दोस्तों अल्फा बीटा गामा, तो ये गुजारती है दोस्तों। देखो जब सरल रेखा दोस्तों किसी भी दोस्तों से कहीं से भी गुजारती है तो दिक को ज्या यार दिया रहेगा, तो L1 M1 N1 दिया गया, तो इसका सरल रेखा का दोस्तों तो सूत्र होता है स्टूडेंट, इसका जो सूत्र होता है X1 - X2 होता है बाटा दोस्तों L1 होता है। ध्यानपूर्वक समझेंगे मेरे प्यारे लाल, आप लोग भौकाल मचा दो, ये कॉन्सेप्ट को समझो। देखो यहाँ से दोस्तों X1 - X2 बटा दोस्तों क्या होता है, तो M होता है, ध्यान से समझना डी स्टूडेंट। और X1 - X2 - Y2 डी स्टूडेंट बात एक ही है, ठीक है ना। आप लोग जो लिखो जो मानो यहाँ पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। चलिए यहाँ से X1 ये Z - Z1 हो गया, बाटा में दोस्तों LMN हो गया। ध्यानपूर्वक समझेंगे, हमें ये रेखा दिया गया, ये दोस्तों X1 - Y1 - Z1 दिया गया, ये रेखा दिया गया, और रेखा में इसमें दिया गया अलग रूप से यहाँ दोस्तों यहाँ पर राम श्याम मोहन है, लेकिन आप लोग दोस्तों और भी कुछ मान सकते हो जैसे सीता गीता रेता, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग को दिया गया अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पर हमें दोस्तों क्या करना है, शामिल संबंध को निकालना है। तो डी स्टूडेंट अल्फा बेटा गामा दिया गया, तो लास्ट में अल्फा बेटा गामा,
डियर स्टूडेंट ये नंबर नहीं होगा क्योंकि दोस्तों अनुपात नहीं पूछा, बी की कल्पना छोड़ दो, सी की यार सोचो भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग सूत्र पर चलेंगे तो ये सूत्र आप लोग देखोगे तो बिल्कुल करेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट आप लोग को पता ही आप लोग का सूत्र होता है, ठीक है ना, सूत्र ही होता है डियर स्टूडेंट, जो कि आप लोग ध्यान रखोगे वे नंबर हो जाएंगे। साल रेखा को यार लगा दिए खाली अल्फा बीटा गामा, देख पा रहे यहाँ से आप लोग, चलिए जो भी कैंडिडेट इसका बे नंबर लगाए बिल्कुल भौकाल मचा दिए। चलिए देखें यहाँ पर देख अनुपात में दोस्तों अभिलंब होने के लिए ये क्वेश्चन तो यार लगातार अपने क्वेश्चन को यार पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं वो आप लोग बताओ। देख अनुपात पूछा गया है, सबसे सिंपल क्वेश्चन यार दूसरी क्लास के कक्षा के विद्यार्थी यार सोचेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो बता देंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता ना है कि दीक अनुपात की बात किया, दीक अनुपात तो 7 अनुपात आया और दोस्तों कौमा में 4 अनुपात आया और कौमा -2 आया, ये 2 ही 3 ही आएंगे डियर स्टूडेंट, ये वाला 7 आएंगे 4 आएंगे -2 आएंगे, 5 नहीं आएंगे डियर स्टूडेंट, 5 तो आप लोग का दूरी हो गया, डी हो गया। तो यार आप लोग कल्पना मत करना, एक्स वाई जेड का गुणांक को दीक अनुपात कहते हैं डियर स्टूडेंट, तो 7 4 -2 देखोगे ए नंबर ऑप्शन में दिया गया तो ए नंबर सही हो जाएंगे। ये लास्ट में जो दिया गया ना इसको आप लोग को नहीं करना डियर स्टूडेंट, ये तो आप लोग को पता है डी है दोस्तों दूरी है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग नहीं लेकर के चलेंगे। दोस्तों अविलंब की बात किया, दिक अनुपात की बात किया तो हम लोग गुणांक को लेकर चलेंगे, तो ए नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए देखो यार दो देखो परीक्षा का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी देखो कहा ए और बी दोस्तों स्वतंत्र घटनाएं होगी तो दोस्तों पी दोस्तों होगा इंटरसेक्शन बी होगा, इंटरसेक्शन की बात किया डियर स्टूडेंट इसका सूत्र जो होता है पी ए जो होता है दोस्तों डॉट पी बी होता है डियर स्टूडेंट, इसका सूत्र होता है क्या तो पी इंटरसेक्शन बी का, तो जो भी विद्यार्थी इसका ए नंबर लगाएं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल भौकाल मचाते हैं, पी और पी दोस्तों पी बी दोस्तों स्वतंत्र घटनाएं होगी तो पी ए डॉट पी बी के दोस्तों इक्वल हो जाएगा पी इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग रेगुलर क्लास करेंगे डियर स्टूडेंट और पहले के वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में देखेंगे। चलो 19 में भी पूछा हुआ है, 2017 में भी कहा जा रहा है कि एस कोई प्रतिदर्श समष्टि दोस्तों तथा ई दोस्तों घटना तो ई घटना के प्रायिकता दोस्तों पी क्या होगी। देखो ये एक नंबर का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट जो कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, तो आप लोग को याद रखना दोस्तों जो पी जो होगा एनी बटा एनएस होता है दोस्तों, ठीक है ना, ये आप लोग को देखिए ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं डियर स्टूडेंट जो आप लोग को प्रायिकता बनाते होंगे, ये सिंपल क्वेश्चन को यार बना सकते हैं, ठीक है ना, तो एनएस बटा हो जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट ए नंबर इज करेक्ट आंसर। देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, स्वतंत्र घटना होने के लिए पी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का यार मान क्या होगा जब दोस्तों दोनों ए बी सी और दोस्तों क्या हो इंडिपेंडेंस यानी कि दोस्तों स्वतंत्र हो, तो ऐसा कंडीशन में दोस्तों डॉट जो होता है गुणनफल होता है, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, देखो इसका जो हो जाएंगे गुणनफल के हो जाएंगे प्लस पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी हो जाएंगे, प्लस नहीं सॉरी यहाँ प्लस यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है डियर स्टूडेंट यानी कि दोस्तों ये गुना में होता है, ठीक है ना, पी बी हो जाएंगे यहाँ से और यहाँ से दोस्तों पी सी हो जाएंगे, ठीक है ना, ये आप लोग का हो जाएंगे। तो यहाँ से देखोगे तो ए नंबर खत्म होगा, प्लस दे दिया यार, बी खत्म सी खत्म डी इज करेक्ट आंसर है, जो भी विद्यार्थी इसका डी नंबर लगा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी स्टूडेंट। चलिए चलो देखो यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, ये हर बार ये क्या बात हूँ डी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या कि आंक भी ब्याह बोलने चेंज कर रहा है, ठीक है ना, इसका आंसर 5/8 है डी स्टूडेंट, देखना कैसे। देखो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग दोस्तों सूत्र का यूज करते हैं, पी जो होता है स्टूडेंट पी आप लोग का दिया गया है यूनियन बी, ठीक है ना, पी यूनियन बी का सूत्र क्या होता है पी ए प्लस पी बी होता है स्टूडेंट, पी ए प्लस पी बी हो गया यहाँ से और यहाँ से घटा में होता है पी इंटरसेक्शन बी, पी इंटरसेक्शन पी ए होता है सूत्र स्टूडेंट, ठीक है ना, जो सूत्र होता है डियर स्टूडेंट पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी होता है, तो उसी को यार पुट करेंगे डियर स्टूडेंट उसी का वैल्यू निकालेंगे, तो पी ए 3/8 दिया गया 3/8 लिखेंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर पी ए पी बी आप लोग को कितना दिया गया है यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह और ये 1/2 दिया गया है, और दोस्तों पी इंटरसेक्शन दोस्तों बी जो दिया गया 1/4 दिया गया है, लघुत्तम आएंगे तो इसका लघुत्तम 8 आ जाएंगे डी स्टूडेंट, ठीक है ना, 8 को 8 से दोस्तों भाग करेंगे तो 1 आएगा तो 3 * 3 हो जाएंगे, जी बिल्कुल, 8 को दोस्तों 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा तो 4 * 4 हो जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएंगे, और दोस्तों 4 / 2 हो जाएंगे तो 2 हो जाएंगे, 2 * 2 हो जाएंगे, माइनस का चिन्ह हो जाएंगे क्योंकि लास्ट में माइनस लगा देख सकते हो, ठीक है ना डी स्टूडेंट। चलो 7 - 2/8 7 - 2 = 5/8 आ गए, 5/8 देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन में जो दिया गया जो भी विद्यार्थी इसका बी नंबर सेलेक्ट किया बिल्कुल उनका सही उत्तर है। देखो डियर स्टूडेंट आप लोग यार पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आप लोग दोस्तों मैसेज कर सकते हो जिसमें आप लोग का मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रत्येक सोल्यूशन के साथ मिलेगा, ठीक है ना, तो पीडीएफ कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क करेंगे स्टूडेंट और सब्जेक्ट का आप लोग को पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो डियर स्टूडेंट आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए
देखो ऐसा क्वेश्चन में सही विद्यार्थी को यार पता होना चाहिए इसका मान पाई बाय टू होता है, ठीक है ना। किसका? तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का जो मान होता है पाई बाय टू होता है। डियर स्टूडेंट यहाँ से ध्यान देंगे, पाई बाय टू हमारा कॉन्स्टेंट घटा है, डिफ्रेंशिएशन जो होता है पाई बाय टू का दोस्तों एक्स के रिस्पेक्ट में वो दोस्तों जीरो हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता चला कि जीरो दोस्तों जो क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों कॉन्स्टेंट है। पाई बाय टू दोस्तों एक संख्या ही है, ठीक है ना। संख्या का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को पता चला कि दोस्तों जीरो होता है तो जीरो ही होगा। तो डियर स्टूडेंट आप लोग कमेंट करेंगे जीरो बी नंबर ऑप्शन में दिया गया, तो बी नंबर जो भी कैंडिडेट लगा है बिल्कुल उनका सही है। चलो 42 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो ये सब क्वेश्चन तो यार लाले पॉप क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया गया है तो हम लोग को पता है यार कि हम लोग चैन रूल तो यार जानते हैं, या तो दोस्त यार भी जानते हैं। देखो ई का पावर एक्स क्यू का एक्स क्यू ही रह जाता है, और दोस्तों एक्स ई का पावर दोस्तों ई का एक्सपोटेंशियल का दोस्त कौन है एक्स क्यू, तो इसका आप कलन करेंगे तो 3x² हो गया। ये इसका राइट आंसर हो गया ई एक्स क्यू 3x² ई एक्स क्यू 3x² देखोगे तो डी नंबर में दिया गया है। डियर स्टूडेंट हम लोग क्या चलते हैं ट्रिक से चलते हैं, तो ट्रिक बतलाती है, आप चलेंगे चैन रूल मेथड रूल। देखिए यहाँ पर चलेंगे ई एक्स के पावर दोस्तों 3, तो एक्सपोटेंशियल एक्सपोटेंशियल का दोस्त एक्स क्यू को रिस्पेक्ट में कलेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में अब कलन। डियर स्टूडेंट ई का पावर एक्स क्यू का ई का पावर एक्स क्यू हो जाता है अब कलन, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों एक्स क्यू का 3x² हो जाता है, 3x² को पहले लिख जाए ई एक्स क्यू बाद में, तो डी नंबर इज करेक्ट आंसर है। देखो काफ़ी इजी डियर स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखो ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता था, खाली आंख को यार चेंज कर देगा, अगला बार क्या करेगा डियर स्टूडेंट हो सकता है आप लोग को कर देगा लॉग दोस्तों 5 का पावर 1, तो ये सब बना लोगे आप लोग, ठीक है ना। देखो कैसे बनता है, देखो इसके लिए हम लोग सूत्र भी जानते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है ना हम लोग सूत्र वूत्र नहीं देखते हैं, हम लोग दोस्तों जो होता है ना ट्रिक चलते हैं। देखो लॉग का मतलब दोस्तों लटकाना होता है, तो इसको लटका दिए। अब सोचो यार दोस्त यारी वाला काम चल रहा है यार, चैन रूल का मेथड है, तो चैन रूल का मतलब समझ तो इस प्रकार का चैन होता है, ठीक है ना। एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग फ्रेंड एक चैन रूल हो, ठीक है ना, एक दूसरे से जुड़े कनेक्ट हो, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं, जैसे कि आप लोग इस चैनल का नाम जोड़ते हैं, सभी चैनल से जुड़े इस चैनल से पढ़ाई करेंगे, फिर इस चैनल से पढ़ाई करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ भी डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग को दिया गया है इसका। देखो लाव का दोस्तों तो दोस्त हो जाएंगे 3 का पावर 1 हो जाएंगे, लाव का दोस्त कौन हो जाएंगे 3 का पावर 1 हो जाएंगे। ये होता है चैन रूल दोस्त यारे चलता है, तो उसी प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ से दोस्तों चलेंगे चैन रूल से, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो 3 का पावर 1 से, और यहाँ से दोस्तों इसके रिस्पेक्ट में करेंगे 3 का पावर 1 का, तो 3x का पावर दोस्तों एक्स का रिस्पेक्ट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो ये विद्यार्थी को कुछ लोगों को यार नहीं बुझता होगा, यानी कि उसको नहीं समझ में आता है। देखो ऐसा होता है स्टूडेंट, बहुत काम से कोचिंग में ऐसा आप लोग को चैन रूल दिया जाता है, आप लोग को डायरेक्ट बताया जाता है, मुझे पता है स्टूडेंट। ये जब आप लोग मेथड नहीं जानोगे तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन दोस्तों नहीं कर पाओगे, इसीलिए कहता हूँ पीडीएफ कोर्स में यार ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। चलो देखो ये इसको कैसे सोल्यूशन करते हैं, लाव का मतलब होता है लटका दो, तो लाव का मतलब इसे लटकाया तो 3 का पावर 1 आया। आप लोगों को पता है कि लाव का दोस्त हमारा कौन है, लाव का दोस्त कौन है 3 का पावर 1, तो इसका आप कलन करते हैं तो 3 का पावर 1 लॉग ए हो जाता है इसका राइट आंसर। लॉग ए कितना दिया गया है, तो हम लोग को 3 दिया गया है। डियर स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे, ये 3 दिया गया है, देखो ध्यान से समझेंगे, ये लॉग 3x खत्म हो गया, 3x तो लॉग 3 सिंपली बच गया, लॉग 3 धोखे गए यार सी नंबर ऑप्शन दिया गया बी नंबर में, तो जो विद्यार्थी बी नंबर सेलेक्ट किया बिल्कुल सही है। देखो कुछ विद्यार्थी को यहां पर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं किस लिए यार, ये सूत्र जो होता है एक पर देखो एक पावर एक्स का दोस्तों तो सूत्र होता है एक पावर एक्स लॉग ए होता है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर 3 का पावर 1 का जो सूत्र हो जाएंगे 3 का पावर 1 हो जाएंगे लॉग 3 हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, ये होता है, ठीक है ना। ये भी दोस्तों 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, जो विद्यार्थी को नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत की बात नहीं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर क्लास करेंगे, प्ले लिस्ट में जाकर के अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। चलो इतना समझाने के बावजूद भी इग्नोर करके वीडियो छोड़ के जाते हैं, उसकी यार हम लोग कल्पना नहीं कर सकते वो किस दोस्तों किस्म के बने, किस जन्नत से हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट आप लोग 44 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग को काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। साइन 2x है, देखो जब तक दोस्तों आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा जब तक आप लोग सफल नहीं होगा, ठीक है ना। चींटी के बारे में तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना, वो कितना मेहनत करता है, उसी प्रकार से आप लोग को करना है। चलिए साइन 2x दिया गया डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें, सावे में तो दोस्तों वह चैन रूल है, ठीक है ना, इसमें कौन सा पार्ट ढाना है
इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो साइन 2x का यार दिया गया है, वही कॉन्सेप्ट है कि साइन का दोस्त कौन है, साइन का x का दोस्त कौन है, तो 2x है, हाँ कि नहीं, बिल्कुल लास्ट में देखो 2x है। तो इसके लिए हम लोग चैनल यार नहीं जानते हैं, ठीक है ना, हम लोग नहीं बताएंगे चैनल, हम लोग ट्रिक बताएंगे आप लोग को। साइन 2x का प्लस दोस्तों क्या होता है, तो सही विद्यार्थियों को प्लस कोस 2x होता है, ठीक है ना। और एक बात तो हम लोग दोस्तों कह सकते हो परंपरा से चलते आ रहे लेकर के, एक्स का गुणांक आगे आप कलन में आता है दोस्तों इंटीग्रेशन में नीचे जाता है, लेकिन ये स्टूडेंट हम लोग का डिफ्रेंशिएशन डीसी पूछा इसीलिए आगे आ गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, इतना सिंपल क्वेश्चन तो सही विद्यार्थी यार बता सकते हैं। देखो साइन 2x का अवकलन cos 2x हुआ, यहाँ पर दिया गया लेकिन दोस्तों गुणांक नहीं दिया गया, यहाँ पर दिया गया लेकिन समाकलन कर दे, यहाँ पर दिया गया लेकिन साइन का बदला नहीं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को डी नंबर हो जाएंगे, साइन 2x का अवकलन cos 2x होता है और x का गुणांक बाहर दिया गया, डी नंबर इस करेक्ट आंसर। देखो इक्कीस में पूछा हुआ है, सब क्वेश्चन है इक्कीस में, आप लोग को एक अवकलन का वन शॉर्ट वीडियो लाए तो वो जा करके देख लेना प्ले लिस्ट में, ठीक है ना, 50 ऑब्जेक्टिव कर किए थे। देखो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है यार, वही क्वेश्चन ही आएगा, सब वही क्वेश्चन, इतना याद रखो, ठीक है ना, सिर्फ नंबर को यह बदल देता है, अंक को डिजिट को चेंज करता है। देखो यही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, हम लोग वही कॉन्सेप्ट से चलेंगे स्टूडेंट, कौन सा कॉन्सेप्ट तो ध्यान से समझेंगे। लॉग दोस्त है, लॉग लॉग का दोस्त कौन है, लॉग रूट एक्स का दोस्त कौन है, लॉग रूट एक्स का दोस्त रूट एक्स है, ठीक है ना, इसका दोस्त कौन है, तो एक्स है, इस प्रकार से होता है स्टूडेंट। नहीं समझ में आया, देखो एक बार और मेरे प्यारे लाल, हम लोग भौकाल मचा देंगे तो समझा देंगे। देखो रूटेक्स है, रूटेक्स का दोस्त कौन है, तो दोस्त लाओ का दोस्त कौन है, तो रूटेक्स है, और रूटेक्स का दोस्त कौन है, एक्स है, इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। चलिए चैन रूल है, इसे ही कहते हैं श्रृंखला व्यय नियम। चलिए यहाँ से चलेंगे स्टूडेंट, तो आप लोग को पता है लाओ का मतलब लटकाओ, तो यहाँ से लटकाएंगे किसको, तो यह लॉग में जो होता है एंगल को लटकाते हैं, एंगल में रूटेक्स जाता लटक गया, चलो। और रूटेक्स का आप लोग को पता है अवकलन डी स्टूडेंट क्या होता है, रूटेक्स का जो अवकलन होता है डी स्टूडेंट डी बाई डी एक्स होता है, वन बटा टू रूट एक्स होता है, कई बार बतला चुके हैं डी स्टूडेंट, ठीक है, वन बटा टू रूट एक्स होता है डी स्टूडेंट, तो आप लोग को ये पता है, तो इसमें यार कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेंगे, रेगुलर क्लास करेंगे डी स्टूडेंट, ये सब क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। चलो चलो यहाँ से देखो आप रूटेक्स क्या करेंगे, वन बटा टू रूट एक्स यहाँ से लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, वन बटा टू रूट एक्स लिख दिए, समझ में आया। देखो लॉ का मतलब रूट को लटकाएं और रूट के एक्स का अवकलन किए, तो वन बटा टू रूट एक्स आया। अब देखो आप लोग को पता है स्टूडेंट रूट फाइव गुना रूट फाइव करते हैं तो आप लोग को फाइव प्राप्त होता है, होता है कि नहीं, बिल्कुल प्राप्त होता है, क्योंकि रूट पच्चीस का वर्गमूल पाँच होता है। उसी प्रकार वन बता दोस्तों रूट एक्स जो जाएंगे एक्स हो जाएंगे, सिंपली एक्स हो जाएंगे, तो एक्स यहाँ से लिख दिया यार, दो तो दो रहेगा, दो तो यार किसी हीरो है, ठीक है ना, तो वन बटा टू एक्स देखेंगे कौन सा ऑप्शन दिया, एक्स टू नहीं वन बटा टू एक्स देखेंगे, तो वन बटा टू एक्स दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, एकदम बिल्कुल समझा दिए आप लोग, ये सब क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है, ठीक है ना, ये सब तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लॉलीपॉप मतलब समझते हो। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था, चलिए एकदम भौकाल मचा देना, वीडियो को एक लाइक नहीं को तो लाइक कर देना है, लग गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डी स्टूडेंट, ठीक है ना, चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे घंटी है उसको दबा दीजिएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे डी स्टूडेंट, तो टेन एक्स का दिया गया था, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो टेन एक्स का यह अवकलन क्या हुआ है, कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा दोस्तों जलवा अलग हुआ, टेन एक्स का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन से का स्क्वायर के एक्स होगा, जो दिया रहेगा एंगल में उसी को लिखेंगे, ना कि छांट देंगे, ठीक है ना, एक परिवार का दोस्त अभिन्न हिस्सा दोस्तों यहाँ पर किया है, ठीक है ना, इसको छांटेंगे नहीं, ठीक है ना। चलो यहाँ से करेंगे डी स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लोग का किया आएगा, क्योंकि डी स्टूडेंट आप लोग को पता है ना एक्स के साथ जो गुणांक रहता है उसको हम लोग बाहर करते हैं, समाकलन में नीचे करते हैं, ये तो हर कोच अने बता रहे हैं, बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए यहाँ से के बाहर आ गया, चलो यहाँ पर देखोगे के से का स्क्वायर के एक्स कहाँ दिया गया है, तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड तो यार चलाकी करता है कि हम लोग डी नंबर ऑप्शन में देंगे, क्योंकि वो विद्यार्थियों को टेस्ट लेता है, ठीक है ना, ये एग्जाम का मतलब क्या हुआ, इसका मकसद क्या हुआ, आप लोगों का टेस्ट लेना, जो कि आप लोग सफल हो गए ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं। चलिए भौकाल मचा देंगे, ये सब क्वेश्चन में कोई जान नहीं कि आप लोग इसे यार पंगा ले सके, ठीक है ना। चलो डी नंबर इज करेक्ट आंसर, देखो 2021 में पूछा गया, 16 के 15 के एग्जाम में पूछा हुआ है। चलो यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बतलाएं, तो वन बटा टू रूट एक्स होता है, तो डी नंबर इज करेक्ट आंसर, वन बटा टू रूट एक्स होता है डी स्टूडेंट, ठीक है ना। देखो 21 में पूछा हुआ, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, क्या दोस्तों इसमें देखा बिहार बोर्ड ने पूछा, क्योंकि दोस्तों आप लोग नए हो लेकिन बुक दोस्तों पुराने हैं, ठीक है ना, पैटर्न वही रहेगा लेकिन आप लोग चेंज हो गए, ठीक है, बहुत ही अच्छा बी नंबर इज करेक्ट आंसर। चलो डी स्टूडेंट काफ़ी इजी क्वेश्चन, आप लोग रेगुलर क्लास करते हो तो बिल्कुल आप लोग को इजी लगता है, जो नए करते हैं वो रेगुलर क्लास करेंगे, प्ले लिस्ट में जाकर के चेक करेंगे, और दोस्तों educationlecture.com गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ से ही PDF पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए
ठीक है ना डियर स्टूडेंट, आप लोग वीडियो देखने के बाद एजुकेशन लेक्चर डॉट कॉम जाकर गूगल पर सर्च करना, ठीक है ना, वहाँ से पीडीएफ पढ़ना। देखो यार, चार बार अवकलन की बात कर दिया है, चार बार अवकलन करना डियर स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार करेंगे तो पता चला कि दोस्तों 4x आया, ऊपर में से एक पावर घट गया तो पता चला 4x क्यों आ गया। ये तो एक बार अवकलन हुआ डियर स्टूडेंट, एक बार और करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे तो 4 × 12 हो गया, उसमें से एक पावर घटेगा, ये दो बार हो गया। एक बार और करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये आप लोग का 24x हो गया, 24x में से दोस्तों 2 × −1 हो जाएंगे तो ये पता चला 24x हो गया, 24x। तो आप लोग देखोगे तो सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी को लगाए बिल्कुल भौकाल मचा दिए, ठीक है ना, रेगुलर क्लास करना है। चलिए, ये सब क्वेश्चन में काफ़ी ईजी है, देखो इस क्वेश्चन का आप लोग बतलाओ, देखो 49 क्वेश्चन है ये स्टूडेंट, हो सकता है क्वेश्चन छट गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को बता देते हैं 50 नंबर क्वेश्चन भी, ठीक है ना, पहले इसको समझो। देखो ये सब क्वेश्चन ये स्टूडेंट कोई विद्यार्थियों को, कोई टीचर होंगे, आप लोग को लॉन्ग बतलाएंगे, लेकिन हम लोग यार ये सब क्वेश्चन को यार रगाड़ चुके हैं, ठीक है ना, ये सब हम लोग से दोस्तों हो चुका है। देखिए कैसे लॉग दोस्तों दिया गया है, एक्स के पावर एन है, तो कुछ विद्यार्थी यार एक अलग सा रूल ले जाएंगे, चैन रूल जिसे कहते हैं, यार चैन रूल तो हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग को चैन रूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग लॉगरिथमिक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, लॉग वाले भैया यहाँ पर एक्स है तो ये एन आगे आ जाएगा, ये हो गया ट्रिक। अब देखो एक बार में बन गया डियर स्टूडेंट, आप लोग समझो ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एन जो दिया गया ये आगे चलाया, एन लॉग एक्स हो गया, यही होता है दोस्तों लॉग का नियम। और जब यहाँ से आप लोग को पता चला एन लॉग एक्स हो गया, तो हम लोग यह ट्रिक जानते हैं, एन लॉग एक्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में एन कोस्टेंट बाहर गया, लॉग का मतलब होता है डिफ्रेंशिए लटका दो, तो एन बटा एक्स डियर स्टूडेंट, एन बटा एक्स देखोगे तो कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया, लेकिन हम लोग कल्पना कर सकते हैं डी नंबर ही होगा, ठीक है ना, एन बटा एक्स बिल्कुल डी नंबर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, जो कि आप लोग को नहीं दिख पा रहा, लेकिन मुझे दिख पा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि डी नंबर ही होगा। चलिए डियर स्टूडेंट, 50 नंबर क्वेश्चन को आप लोगों को पूछ लेते हैं, बता दीजिए आप लोग कितना, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, चलो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करता है दोस्तों, आप लोग कमेंट करो क्या देंगे। चलिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक है ना, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, चलिए क्लियर कर लें डियर स्टूडेंट। चलिए आप लोग को गूगल पर चलेंगे, आप लोग बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग को मेहनत करना है। देखो गूगल पर सिंपली जा करके क्लिक करना है क्या, educationlecture.com, educationion लेक्चर यहाँ से लिखना है दोस्तों, और यहाँ से आप लोग को .com सर्च कर देना, गूगल पर जाइए स्टूडेंट, educationlecture.com सर्च करें, मैं टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आज पार्ट 6 वीडियो समाप्त हुआ, इसके पहले के आप लोग वीडियोस आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। PDF कोर्स लेना चाहते हो 9142-5134 पर मैसेज करना है, साथ में टेलीग्राम चैनल को यार ज्वाइन कर लेना है, कंजूसी नहीं करना टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन करने में, ठीक है ना, आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर क्लास करेंगे, टेलीग्राम पर आप लोग को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर लाइव क्लास 7 बजे होता है और 8 बजे होता है, 8 बजे आप लोग का टेस्ट होने वाला है दोस्तों, किसका, केमिस्ट्री का, तो सभी विद्यार्थी सभी भी कैंडिडेट जितने भी थे वो एक बार पुनः दोस्तों क्लास करेंगे, कितना बजे, तो 7 बजे 8 बजे शाम को, ठीक है ना, तो सभी विद्यार्थी आएंगे क्लास करने। चलिए आज टेस्ट और स्टूडेंट, तो आप लोग आकर के लगाना। चलिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को तो आप लोग लाइक कर देंगे, साथ में वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है ना, शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं। चलिए डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।